Hi candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. I have been recommended by Indian Army and Air Force both recently. My brother also got recommended and we on our platform have almost 100 plus recommendations from past 2 years. So I hope I can share my experiences and the right guidance for you all for the SSB preparation strategy. So today I am here to tell you about the SSC Tech entry which is about to come in the upcoming days. So iske bare mein iske kya eligibility criteria hai, kya application form ki dates hongi, kya aapki age limits hongi, kya complete aapka SSB process hoga, plus SSB selection ke methods kya hai, all about the examination and apart from that documentation and jo bhi aapke अलग से डाउट्स हैं वो सब इस सेशन में आई होप आई एम एबल टू क्लियर दैट. टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन डेट, तो ये आपके 8th of March से रिलीज हो रहे हैं एंड दे विल बी देयर टिल 6th of April 2022. ठीक है, सो इस टाइमलाइन में आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं. Now talking about the eligibility criteria, so all those graduates जिनकी age 20 से 27 के बीच में है, so या तो आपकी graduation complete हो चुकी है, maybe you are doing your masters and you rely between the age of 20 to 27 years, you can apply. Also जो final year graduate students हैं, they are also eligible to apply for this particular course. The only thing is you need to be a technical graduate, यानी आपकी BE या BTech की degree हो. अगर आप final year student हैं, तो make sure कि आपका जो SSB का course start होगा, यानी जो course commence होगा training आपके academy में, उससे पहले आपके हाथ में आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स आ जाएं, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड, यानी पासिंग डिग्री पासिंग मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए. ठीक है, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. सो ये मैंने एज लिमिट बता दी. नाउ देयर इज़ वन मोर फैक्टर जो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ. इट इज़ अबाउट द हाइट पैरामीटर्स. सो फॉर मेल्स इट इज़ 157.5 एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ 152.5. ठीक है, सो ये मिनिमम हाइट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट इसी से पैरेलल आपके वेट के कंडीशंस होते हैं, तो वेट का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट येस हाइट इज अ पर्टिकुलर पैरामीटर विच इज रिक्वायर्ड. तो इतनी हाइट मैंने बता दी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए. इसमें डेफिनेटली देयर आर एज यू नो सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशंस जो अलग अलग टेरिटरी जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गए, गोरखाज हो गए, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं. सो डिटेल नोटिफिकेशन आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल शॉर्टली. फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये अपडेट कर रही हूँ दैट दिस नोटिफिकेशन इज अबाउट टू कम इन फ्रॉम 8th of March. ठीक है, सो आई होप दिस सेशन इज रियली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट योर डाउट्स. Also, you can download the Government Crackers app for your personal queries and doubts and any other material related. Now, coming to the SSB 5-day interview process. So, as you all know, ki SSB 5-day ka process hota hai and it is further divided into 2 stages. Better understanding ke liye aap samajh lijiye. Ek hota hai aapka stage 1 hoga. Then you will be having stage 2. स्टेज वन में क्या क्या चीजें आएंगी? स्टेज वन में आपकी रिपोर्टिंग आ जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस आएगा. ठीक है, ये आपके स्टेज वन होते हैं. इसके बाद के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो आप तभी एलिजिबल होते हैं देने के लिए वंस यू क्वालिफाई स्टेज वन एंड फर्दर आप स्टे करते हैं सिलेक्शन सेंटर में एंड देन यू गिव दिस फर्दर टेस्ट. ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं बिकॉज हर टेस्ट में बहुत सारे और सब टेस्ट भी होते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं फ्लो चार्ट के हेल्प से भी समझेंगे एंड अभी स्टेज वन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं. सो जैसे मैंने बताया एसएसबी इंटरव्यू इज अ 5-day प्रोसेस. डे वन में क्या होगा आपका? डे वन में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट या स्टेज वन टेस्टिंग होता है, इसमें जब आप सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे तो आपके कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है आपसे. फॉर एग्जांपल आपसे जो पूछा गया है कि जो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स चाहिए सेमेस्टर वाइज, वो चेकआउट होंगे कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आपके 10th 12th के मार्कशीट्स पूछे जाएंगे, दोज कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी पास्ड आउट, उनसे डिग्री जो अपियरिंग है उनसे प्रोविजनल
गैजेटेड एंड अटैच्ड बाय यूनिवर्सिटी. तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं अलग से एक सेशन ले लूंगी. तो जो भी बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं उनका चेकिंग होगा, उन चेकिंग के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. वेरिफिकेशन होने के बाद देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन. अब इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. एप्टीट्यूड टेस्ट इज बेसिकली, इसमें दो फर्दर एग्जामिनेशन होते हैं. एक होता है OIR टेस्ट, एक होता है OLQ टेस्ट. ये दोनों टेस्ट आपके जो हैं 15 टू 17 मिनट्स की होते हैं. इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं टू सॉल्व एंड ऑल आर योर MCQ टाइप क्वेश्चंस. तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट यस यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम. तो वो टाइम का प्रेशर हमेशा रहता है. तो ऐसा नहीं कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. यू रियली नीड टू बी फास्ट. एंड OIR OLQ करने के बाद then you have to give the famous test which is known by PPDT and GD followed by narration. ठीक है. So PPDT test जिसे हम picture perception and description test कहते हैं, followed by a group discussion and आपका इसी में narration भी include होता है. ठीक है. All those candidates जो आप ये चार test देते हैं basically stage वन में, जब आप ये चार test दे लेंगे then you will be granted some time, probably 2 to 3 hours. उसके बाद आपका एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है. जो भी कैंडिडेट स्क्रीन इन यानी जो सेलेक्ट हो जाते हैं फर्दर, उन्हें हम बोलते हैं कैंडिडेट स्क्रीन इन. और वो कैंडिडेट्स फर्दर एलिजिबल होते हैं टेस्टिंग टू के लिए और नेक्स्ट 4 डे वो उसी सिलेक्शन सेंटर पे स्टे करते हैं. ठीक है. नाउ सिलेक्शन सेंटर पे स्टे करने का कोई कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. बाकी के कैंडिडेट जो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं स्टेज वन में, उन्हें इमीडिएटली अपने घर जाना पड़ता है. लाइक यू हैव नो चॉइस टू बी इन द सिलेक्शन सेंटर. ठीक है. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको. अब और डिटेल में फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये आपका SSB प्रोसेस हो गया. 3 स्टेजेस हो गए, एक स्क्रीनिंग हो गया, एक स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया. सबसे पहले स्टेज 1. स्टेज 1 वही कैंडिडेट सारे कैंडिडेट्स देते हैं एंड स्टेज 2 वो कैंडिडेट्स देते हैं जो फर्दर स्टेज 1 में पास आउट हो जाते हैं. ठीक है. अब स्टेज 1 में मैंने आपको बताया कि OIR टेस्ट होता है, OLQ, ये दो टेस्ट हो गए आपके 15 टू 17 मिनट्स के. ठीक है. एंड 50 क्वेश्चंस इसमें मिल गए आपको. ठीक है. उसके बाद आपको ये पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना होता है जिसमें 5 मिनट आपको टोटल मिलते हैं. 1 मिनट फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड थीम एंड बाकी टाइम आपको राइटिंग के लिए मिलता है. उसके बाद यहाँ पे आपका इंडिविजुअल नारेशन होता है फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन. अगर आप इसको क्लियर करते हैं यू गेट रिकमेंडेड एंड फर्दर स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई करते हैं. अगर नहीं तो यहीं से यू विल गो बैक. ठीक है. सो डे 1 क्लियर हो गया, स्टेज 1 यहाँ पे आपका ओवर हो गया. अब बात करते हैं स्टेज 2 की. जो कैंडिडेट स्टेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं अगले दिन से आपका स्टार्ट होता है डे 2 यानी स्टेज 2. अब डे 2 से आपकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. जैसे डे 2 पे आपका साइट टेस्ट होता है, फिर 3 एंड 4 में GTO होता है एंड 5th इज योर कॉन्फ्रेंस डे एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन डे कि वेदर यू आर रिकमेंडेड और नॉट. यानी ये दिस इज बेसिकली योर डे ऑफ सिलेक्शन. डे 2 में अगेन बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, जिसे हम TAT, VAT, SRT, SD बोलते हैं. TAT इज अगेन आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स लिखने होते हैं इंक्लूडिंग 1 blank picture. टाइम अगर इसमें आपको अगेन वही 5 मिनट्स का मिलता है. इसमें कोई थीम नहीं लिखनी पड़ती आपको, यू जस्ट आर शोन अ पिक्चर, उसके अराउंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी. VAT इज यू हैव टू राइट 60 words. अगेन हियर 15 seconds का टाइम मिलता है एक वर्ड के लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है. सिमिलरली फॉर SRT आपको 30 seconds मिलते हैं एक सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए. टोटल अगेन 60 SRTs होते हैं. यू गेट 30 मिनट्स फॉर दिस SRT. फॉर SD यू हैव टू राइट 5 paragraph अबाउट योर सेल्फ, लाइक बेसिकली आपका एम क्या है, आपके अपने बारे में, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, अगर आप वर्किंग है तो आपकी लाइफ कैसी है एंड वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज. ठीक है. सो ये 5 lines हैं, 5 paragraphs से बेसिकली जो आपको मेंशन करना होता है. द टाइम गिवन यू इज 15 मिनट्स. तो इनको और डिटेल में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. यू कैन गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियोज और ऐप पे भी ये अवेलेबल है, तो आप वहां देख सकते हैं. बट यहाँ पे मैं एक रफ आइडिया आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. अब जब आप डे 2 स्टार्ट कर देते हैं, इसी डे 2 से आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाता है. लाइक द मोमेंट यू गिव योर एग्जामिनेशन साइकोलॉजी टेस्ट 2 से 2.5 घंटे का टेस्ट होता है. जैसे ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है
योर इंटरव्यू स्टार्ट्स, तो रैंडम पिक्स होते हैं, इट माइट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या ऑल्टरनेट हो सकता है, या रैंडम पिक हो सकता है, और आपको यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है वहां पे सिलेक्शन सेंटर में. इफ यू थिंक दैट यू कैन प्रिपेयर समथिंग, सो नो, यू विल नॉट गेट दैट टाइम. ठीक है, सो ये दिस इज बेसिकली टेस्ट ऑफ प्रेशर ओनली. सो जैसे ही आप 2.5-3 घंटे का एग्जामिनेशन करके रखेंगे, विद इन 5 मिनट्स सम ऑफ यू मे बी आस्क्ड टू गिव द इंटरव्यू टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. बाकी का इंटरव्यू मे बी ऑन द डे 3rd या 4th, जब आप GTO टास्क करके आएंगे इमीडिएटली आपको जाना पड़ेगा. सम ऑफ यू मे गेट अ टाइम ऑफ अराउंड 1/2 आवर, 1 आवर या इवनिंग तक. ठीक है, सो दैट इज द केस. तो डे 2nd आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से. अच्छा, अब डे 3rd में आपका होता है, डे 3rd एंड 4th इज अबाउट योर GTO, जिसमें आपके 9 टास्क होते हैं टोटल. ठीक है, सम टास्क आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, सम टास्क यू हैव टू डू इंडिविजुअली. GTO में जो भी आपके टास्क होते हैं मोस्टली इट्स फिजिकल. कुछ आपके जैसे लेक्चरेट हो गए, GD हो गया, GP हो गया, तो दीज हैव लॉजिकल एंड इंडिविजुअल अप्रोचेज. यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, कुछ चीजें इस तरह से चेक की जाती हैं. देन यू हैव कमांड टास्क हियर, विच इज ऑल्सो नोन एज कन्फर्मेटरी टास्क. सो ओवरऑल आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये आपका डे 3rd एंड 4th में क्लियर हो जाता है, एंड यू स्पेंड लॉन्गेस्ट टाइम इन द GTO. ठीक है, तो हर टास्क के बारे में यहाँ तो एक्सप्लेन करना प्रॉब्लम होगी, बट आई डेफिनेटली मेक अनदर सेशन ऑन GTO एंड हर स्टेज को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. जब आप डे 3-4 को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5th डे आपका रेस्ट होता है. बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ कंप्लीट, यू हैव गिवन द कंप्लीट टेस्टिंग. आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में फिर से तैयार होकर आना होता है विथ योर लगेजेस पैक्ड, एंड आपकी होती है कॉन्फ्रेंस. 1 by 1 करके जाना होता है. इट्स 1 to 2 minute प्रोसेस बेसिकली, बट हियर यू विल सी ऑल द ऑफिसर्स सिटिंग इन यूनिफॉर्म, जिसमें आपका साइक होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, GTO होते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट होता है. ठीक है, सो सेमी सर्कल में इट विल बी अ पैनल ऑफ 5 to 8 ऑफिसर्स सिटिंग इन अ सेमी सर्कल मैनर, एक रूम में होगा. यू हैव टू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ देम. दे माइट आस्क यू क्रॉस क्वेश्चनिंग एट टाइम्स, या कोई सिचुएशन दे सकते हैं इफ दे फील यू कि आप रिकमेंड हो सकते हैं. सो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अदरवाइज इट्स नॉट यू नो रेगुलर की आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. दे माइट आस्क यू दैट हाउ डिड यू फील, हाउ वाज योर स्टे, व्हाट वेर योर लर्निंग्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे. इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1 to 2 minutes, उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है. नाउ जैसे ही सारे कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस होती है, विद इन 30 minutes to 1 hour आपका जो रिजल्ट है दैट गेट्स डिक्लेयर्ड. एंड अगेन ऑल दोज कैंडिडेट्स हु गेट सेलेक्टेड वो स्टे करते हैं फर्दर अपना मेडिकल कराने के लिए, एंड बाकी की कैंडिडेट्स अगेन दे हैव टू लीव द सिलेक्शन सेंटर एंड गो. ठीक है, अब मेडिकल कराने के लिए अगेन आपका 5 से 6 दिन का प्रोसेस होता है. इट इज अगेन डिवाइडेड कि जिस कभी आपकी IOPD होगी, कभी आपके सर्जिकल्स होंगे, कभी आपका EOPD होगी, कभी आपके डेंटल चेकअप्स होंगे. सो कंप्लीट बॉडी चेकअप डे वाइज प्रोसीजर होता है. जिस भी एरिया में आप रुक रहे हैं वहां पे जो आपका आर्मी हॉस्पिटल होता है उनके डेज होते हैं. एवरी डे देयर इज 1 particular testing done. तो वो शेड्यूल आपको फर्दर बताया जाएगा. सो बेसिकली आपकी ओवरऑल बॉडी का मेडिकल टेस्ट होगा कि वेदर यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, कोई क्रोनिक डिजीज है, बिकॉज आपको पता है कि हाई altitudes पे जाना होता है, एक्सट्रीम conditions पे जाना होता है. तो मेडिकली अ कैंडिडेट शुड बी फिट. ठीक है, सो ये आप अगेन 5 से 6 डे का नेक्स्ट प्रोसेस होता है. ठीक है, इसके बाद जो कैंडिडेट्स मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, फिर आपकी बनती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट AIR, जिसमें आप अगर आते हैं, सेलेक्ट होते हैं उस मेरिट लिस्ट में, देन यू आर कॉल्ड इन द अकेडमी. फिर आप अकेडमी में ट्रेन होते हैं, एंड आफ्टर योर यू नो 49 weeks ऑफ ट्रेनिंग देन यू गेट सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर. ठीक है, सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके SSB टेस्टिंग का. आई होप आपको आप इंटरव्यू का प्रोसेस समझ में आ गया होगा. सो दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ योर्स टिल बिकमिंग एज एन ऑफिसर. ठीक है, नाउ अब हमें पता चल गया कि स्टेज 1 कितनी इंपॉर्टेंट है, देन स्टेज 2 कितनी इंपॉर्टेंस है. बट स्टेज 2 के बारे में हम तब सोचेंगे व्हेन वी क्लियर दिस स्टेज 1. एंड दिस स्टेज 1 अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो मेक श्योर कि 25% स्टूडेंट्स ओनली क्लियर स्क्रीनिंग, बाकी कैंडिडेट्स आर मोस्टली रिजेक्टेड इन स्क्रीनिंग प्रोसेस. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू कम इन दिस 25%. नाउ अगर आपके पास टाइम कम है, और इवन यू हैव टाइम, जितना भी टाइम है, आई वुड यू नो सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स नॉट टू गिव अप एंड नॉट टू गेट
टेंस्ड एंड वरीड. बहुत सिंपल प्रोसेस, अगर आप अच्छे से करेंगे यू माइट बी हैविंग सम गुड क्वालिटीज. फर्स्ट टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. कुछ मिस्टेक्स को निग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, बट दिस डजंट मीन कि आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहे. एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ट फ्रॉम योर साइड. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डे वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पे इस पैकेज में बेसिकली गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे इसी तरह से आपको, जैसे मैंने टेस्ट एक्सप्लेन करे, हर टेस्ट से रिलेटेड आपको मिल जा रहा है. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन सेंटर की डिटेल्स बताई जा रही है, लोकेशन विथ पिक्चर्स, सारी एक्सप्लेनेशन है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फिर रिपोर्टिंग है डॉक्यूमेंट्स की, 1000+ OIR OLQs हैं जो आपके SSB में आते हैं, इसमें सॉल्व भी हैं अनसॉल्व भी हैं. PPDT, TAT है, VAT, SRT, GTO के टास्क हो गए, लेक्चरेट टॉपिक्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई, देन टेक्निकल क्वेश्चंस आर्मी अफेयर से रिलेटेड जो आपसे पूछे जा सकते हैं, देन यू हैव मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ठीक है, आपके जेस्चर्स पोस्चर्स and some basic grammar skills English. So all these things is explained in a very suitable manner with picture. आपको हर test wise यहाँ पे explain किया गया है. इसीलिए apart from this, you will also be having video lectures. So 50+ video lectures हैं जिसमें एक एक test को बहुत detail में explain किया गया है, again with pictures, and the language is bilingual, यानी English and Hindi दोनों में use किया गया है. So that you can understand and further आपके practice के लिए उसमें sessions भी हैं. You will also be getting free mock interview. आप जैसे ही अपना पढ़ लें उन video lectures को और आपकी book cover हो जाती है, you feel कि आपको एक mock test देना चाहिए before going to SSB. So you can give your mock test. You can send a personal message. आपकी कोई personal query है throughout your reading. So you can always be in touch. This is the complete program that we are providing on Government Crackers app. It is available on Google Play Store and Apple Play Store. All you need is to download the app. Yahan pe store section mein aap jayenge. Store mein you have to pick the Army SSB course. Theek hai? Army SSB course lenge. Isi mein aapko complete study material available mil jayega. Theek hai? And this individual book wise and test wise package is not available in anywhere. आप किसी institute में भी जाएंगे तो they are orally going to tell you कि ये test होता है, ये process होते हैं. जो material आपको मिलेगा that will not be very worth and it takes a lot of time and money as well. But here we are providing you at a very affordable rate. And if you will give your best and do your best, I assure that nobody can stop you from getting recommended. ठीक है? So I hope this session was useful for you. I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.